निवेदन करूंगा कि वह तीर कमान बैठ करे। माननीय ताराचंद जी रामलाल जी से निवेदन है कि बेणेश्वर धाम की तस्वीर को बैठ करे। अर्जुन जी बामनिया दयाराम जी से निवेदन है कि त्रिपुरा माता की तस्वीर बैठ करे। गणेश जी गोगरा साहब को से निवेदन है कि वे तीर कमान बैठ करे। हाँ जाओ 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 सर। एक वो विमोचन कराना महाराज जी का, वो कहाँ है? मालिया जी विमोचन कराने वाला, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो अपना 3 मिनट का जो क्लिप देना है उसकी तैयारी रखें। 2 मिनट बाद अब सब विराज जाएं, जिनके द्वारा स्वागत हो चुका है सबसे निवेदन है कि कृपया कृपया सब विराज जाएं। अरे रुकना मालिका जी रुकना, एक सबको सब विराज जाएं, जो आगे खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया विराज जाएं। 1 मिनट रुकना रामलाल जी वगैरह सब, जिनसे का भी हो गया है। भंवर सिंह जी पार्टी साहब से निवेदन करूंगा, वो माला पहना है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, ये राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश के आदिवासियों का एक महाकुंभ है जहां पर हमारे प्राचीन हरि मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस प्रतिष्ठा का विमोचन माननीय राहुल गांधी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अच्युतानंद जी गुरुदेव के सानिध्य में एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा होने जा रही है। मावजी महाराज की, मावजी महाराज की। अब मैं हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मान्य गणेश गोगरा जी से निवेदन करूंगा कि पधारें और सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आदिवासी का महाकुंभ त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर हमारा युवा दिलों की धड़कन, गरीबों के मसीहा, जन जन के लाडले, हमारे प्रिय नेता, देश के नेता, 36 कौम के नेता राहुल गांधी जी का वागड़ की ओर से, इनका यह पावन धरती पर, मावजी महाराज की धरती पर तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें और मैं इनको नमन करता हूं। साथ ही हमारे अजय माखन साहब, हमारे राजस्थान के गांधी यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर जी, मालवीय जी, सभी मंत्रीगण, सम्मानित मंच,
हमारे लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है कि आज वैशाख पूर्णिमा जो बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, इस दिन हमारे यहाँ बेणेश्वर धाम पर राहुल गांधी जी के पावन चरण पड़े हैं। तो निश्चित ही 2024 में कांग्रेस की सरकार और हमारे राहुल गांधी जी को 2024 में हम पीएम देखना चाहते हैं, आपके सबके सहयोग से, हिंदुस्तान की जनता से। राहुल गांधी जी ही एक ऐसे निर्भीक नेता है जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, दलितों के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं। आज एक ही ऐसे नेता है जो मोदी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारे आला जो भी हमारे बड़े नेता है, आपके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और कांग्रेस को वापस दोबारा हमारे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में और आपके नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। शानदार बजट दिया गहलोत साहब ने, बोले 10 लाख चिरंजीवी बीमा योजना हो, बोले 50 यूनिट बिजली फ्री।